अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता यकम था 7 जुलाई 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तदा होगी बुर्ज सरतान से। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपके ताले में मुश्तर की मौजूदगी आपके ज़हनी इर्तका का बाइस जबकि रूहानियत में इजाफा और दूसरे की भलाई के लिए जो फलाही उमूर हैं, भलाई दूसरों की भलाई करने के लिए जो भी आप वेलफेयर का काम करेंगे उसके साथ साथ आपके अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट के मामला हैं उनको भी आप इकट्ठा करके अपने रिसोर्सेज को दूसरों के लिए वक्फ कर सकेंगे। तालिम शम्स की मौजूदगी भी बाइस इज्जत होगी जबकि आपकी शख्सियत जो है मजीद पुरवकार हो सकेगी। जोहल की जाएगा 5वें घर में मौजूदगी आपके रोमानवी मकासद और औलाद से मुतलका उमूर में आपको इजाफी तवज्जो मरकूज करने का हामिल बना सकेगी जबकि जोहरा का खाना माल में क्याम जो है 22 जुलाई तक आपके माली वसाई और आमदनी में इजाफा का बाइस बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 1 जुलाई को मसाइल का मुस्बत हल जो है वो तलाश कर सकेंगे। 2 जुलाई को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने से घरेलू माहौल जो है वो पुरसकून रहेगा। 3 को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 4 जुलाई को आपके खुद इतमादी में इजाफा होगा जिससे मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 5 जुलाई को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे जबकि शरीक हयात का तआवुन भी आपको हासिल रहेगा। 6 जुलाई को आपके शराकती उमूर जो है आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। 7 जुलाई को शराकती कारोबार में सरमायाकारी जो है वो मुनाफा पक्ष साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात का हामी थे वो 7 जुलाई जबकि मनफी असरात का हामी थे मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है, इसलिए अपने पॉजिटिव डे से फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आका हाथ में सारे शम्स यकम था 22 जुलाई जायजे के 12वें घर में रहते हुए हाजिर को जेर करने में आपको मददगार साबित हो सकेगा जबकि मुश्तरी की भी जायजा के 12वें घर में मौजूदगी के बायस अखराजात पर भरपूर कंट्रोल हासिल करने के अलावा जहनी राहत भी मुयसर आ सकेगी। 2 जुलाई को शम्स प्लोटो मुकाबले के बायस आपको अपनी तबीयत में पाए जाने वाले मनफी असर पर कंट्रोल रखने की जरूरत पेश आ सकती है जबकि आपने अपने जज्बात और गुस्सा पर भी काबू रहेगा। 4 जुलाई को शम्स यूरेनस तरबी के बायस काम की मसरूफियत और गैर इरादी तौर पर किए गए काम जो है वो परेशानी का बायस बन सकते हैं, इसलिए मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 1 जुलाई को औलाद का साथ जो है वो आपको हासिल रहेगा जिससे आपकी मसरूफियत में कमी आ सकेगी। 2 को शरीक हयात मददगार साबित हो सकेगा। 3 जुलाई को आपका सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 4 जुलाई को रिश्तेदार जो परेशानी कोई भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं या आपको किसी परेशानी में मुलव्वस कर सकते हैं। 5 जुलाई को आपकी सोच मुस्बत रहने से बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 6 जुलाई को माली मसाइल पेश आ सकते हैं। 7 जुलाई को सफर का प्रोग्राम बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का हामी दिन तो कोई नहीं है जबकि पूरा हफ्ता आपका एहतियात तलब है क्योंकि आपके लिए मौजूदा हफ्ते में मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 1, 2, 3, 4 और 5 जुलाई हो सकते हैं, इसलिए इन 5 दिनों में एहतियात कीजिएगा ताकि कोई भी मुश्किल आपके लिए मुश्किल ना रहे। अपने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे से अपने आप को जो है वो मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं रहेगी। बुर्ज शिमला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका हाकिम अतारक तमाम मजाचे के 11वें घर में रहते हुए यकम तक 20 जुलाई रुजत की हालत में होगा जिससे हल्का अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें पूरी न होने से वक्ती तौर पर आपको मायूसी हो सकती है लेकिन जल्द ही हालात में मुस्बत तब्दीलियां जो है वो पॉजिटिव चेंजेस जो है वो उसमें आ सकेंगी। मुश्तरी की जायजे के 11वें घर में मौजूदगी आपके करियर में कामयाबी ला सकेगी जबकि आपके बुजुर्गी जो अल्लाह ने आपको अता की हुई है और रूहानी दोस्तों का साथ आपको जहनी सुकून बख्श सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 1 जुलाई को आपकी शख्सियत में निखार आएगा, ग्रूम पैदा होगा पर्सनल जो आप ग्रूम करेंगे। 2 जुलाई को कारोबारी मसाइल जो है मसाइल का शिकार रहेंगे। 3 जुलाई को बहन भाइयों का तावन हासिल रहेगा जबकि 4 जुलाई को बहस और तकरार से गुरेज करना लाजिम होगा वरना लड़ाई की सूरत पेश आ सकती है। 5 जुलाई को बहुत से काम जो है खुद बखुद सुधर सकेंगे। 6 जुलाई को मुस्तहकम और बेहतर फैसले कर सकेंगे जबकि आपकी औलाद जो है वो आपके लिए खुशी का बाइस होगी। 7 जुलाई को मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को हसब मंशा जो है वो मुलाजमत मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।